हाय ऑल द अबेंडेंस फैमिली मेंबर, आज का डे 18 इस बहुत ही प्यारे डायरी राइटिंग के आपके टाइम में आज एक नए मेथड के साथ हेल्प कराऊंगी। जैसे आपको पता है कि आपको अपने इस डायरी में सोने के पहले नेक्स्ट डे की जो भी आपकी टू डू लिस्ट है, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क है उस पर आपको फोकस करना है। दिन में जो 5 अच्छी बातें हुई है उसको लिखना है, 2 ऐसी बातें लिखनी है जो इम्प्रूव करनी है, और उसके साथ ये एक एक्टिविटी आपके शेयरिंग के लिए। जैसे कि अफर्मेशन लिखने की प्रैक्टिस डिफरेंट डिफरेंट वे में हो सकती है, तो इसको और एक नए वे में कनेक्ट कर रही हूँ जहाँ पे आपको उस सेंटेंस के साथ, उस फीलिंग के साथ जुड़ना है। तो आप एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला जैसे इमेज के साथ, ड्राइंग के साथ कर सकते हो। तो आपकी ड्राइंग जैसे भी हो, आपको कॉन्फिडेंटली सुपरबली इस एक्टिविटी को करना है, इस अफर्मेशन की एक्टिविटी को। तो आप आपके मन से भी इमेजेस बनाइए तभी भी चलेगा। तो अभी एक छोटी सी इमेज को मैं कनेक्ट कर रही हूँ, बस मैं यहाँ एक छोटा सा फीलिंग जनरेट करना चाहती हूँ कि जैसे आई, ये बड़ा लग लिख दिया, लव myself। अभी इस इमेज के साथ भी ना, जब तक आप उसके साथ जो जो काम कर रहे हो, जैसे इफ़ यू वांट कि थोड़ा सा आपको शेडिंग करना है या आपके पास और कुछ ऑप्शन है उसके साथ कलर करना है, तो आप वैसे आपका टाइम लगा सकते हैं। बट इस टाइम में ना कंटिन्यूसली इस फीलिंग में रहो कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। तो ये एक थोड़ा सा नया पैटर्न जो आपको अच्छा भी लगेगा कि आपका हाथ आपके ही हाथों में और आप आपके खुद के साथ हो। तो आई लव माई सेल्फ वाले फीलिंग के साथ इस पिक्चर को आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ बस एक छोटा शेडो देना चाहती हूँ। अभी कुछ लोगों का ड्राइंग सेंस अच्छा है तो आप इसमें और क्रिएटिविटी करिए, जिन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है आप एज इट इज़ फॉलो करिए। उसके अलावा हम और एक कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे आपने बहुत प्यारा ग्रास बना दिया, तो आप कलरफुल पेन या कलरफुल पेंसिल्स जो इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, बिकॉज इसमें ना फोकस ज़्यादा होता है हमारा, अच्छा लगता है हमें ये जब हम कर रहे हैं। अभी आपने जैसे यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है तो कर दीजिए ये और तो ये बहुत प्यारे ऐसे मशरूम्स। और यहाँ पे और यहाँ कुछ, जैसे आपने यहाँ पे मशरूम्स बना दिए, आपको जो शेड चाहिए वहाँ पे थोड़ा कलरिंग कर लीजिए। तो आप इसको और क्रिएटिव बना सकते हो, आई एम जस्ट गिविंग द आइडिया। या आपके पास और कलर ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करिए। और इस पिक्चर में स्पेशली हम ये फील करना चाहते हैं कि वी आर टुगेदर। तो इस फीलिंग को अच्छे से कनेक्ट करिए। और एक इमेज आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे आपने ये एक स्टेप बना दिया, फिर इससे छोटा और छोटा और छोटा, इट्स लाइक हमें इसका एक बल्ब बनाना है। तो यहाँ से लेके और जिस ये ब्लो कर रहा है, तो आप इसमें और क्रिएटिविटी दे सकते हो अलग अलग कलर के साथ। जैसे वो कर रहा है तो अलग अलग कलर की लाइट्स भी आ रही है। अभी इसमें जब आप अपनी क्रिएटिविटी को कनेक्ट कर रहे हो, इसमें कनेक्शन ये है कि यू फील दैट स्ट्रांगली कि आई एम पावरफुल, कि हर एक सिचुएशन को हैंडल करने की पावर आप में है। तो आप जितनी बार भी ये पिक्चर को और डिटेलिंग करोगे ना, इसी फेस में करो कि आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आप जब फोकस करोगे, चीज़ों को कनेक्ट करोगे ना, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। नो डाउट बहुत बार हम बहुत चीज़ों में नम हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं, बट ये छोटी छोटी एक्टिविटी आपको फोकस चेंज करने के लिए हेल्प करेगी। तो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड बाकी सब चीज़ों को आप ज़रूर लिखिए। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।